बुद्धं शरणं गच्छ। बुद्ध के पथ पे खुद को खोकर मिलता है मोक्ष का ज्ञान। प्रेम पथ पर सेवा कर ले तो बन जाता है इंसान। संघं युष्यन बुद्धा गच्छा। भारतवर्ष में बंगाल और महाराष्ट्र प्रांत समाज सुधारक के बारे में हमेशा अग्रसर रहा है। आजादी के आंदोलन का यज्ञ कुंड इन दोनों प्रांतों में हमेशा जलता रहा है। क्रांतिकारों ने अपने जीवन को उसमें अर्पण करके आजादी का एक अनूठा इतिहास बनाया। बंगाल के राजा राम मनोहर राय, सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद, शरद चंद्र चटर्जी, आशापूर्णा देवी, रविंद्रनाथ टैगोर, इन समाज सेवी एवं क्रांतिकारों के नाम इतिहास में सम्मान के साथ दर्ज है। महाराष्ट्र के सावरकर, तिलक, आगरकर, गांधी, इनके भी नाम उतने ही सम्मान के साथ लिया जाता है, किंतु दलित मुक्ति के संदर्भ में इन नामों को विशेष महत्व नहीं है। महाराष्ट्र के डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और बंगाल के महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल, इन्हें दलित मुक्ति के संदर्भ में जो मान सम्मान प्राप्त है वो सम्मान किसी को नहीं मिला। महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल का जन्म 29 जनवरी 1904 की शुभ तिथि को पूर्वी बंगाल जिला बारिसाल के एक छोटे से गांव मोएस्तर कोंडी में हुआ था। अब यह प्रदेश बांग्लादेश में आता है। जोगेंद्रनाथ मंडल अपने माता पिता की 6वीं संतान थे। चाचा रामकृष्ण को कोई संतान न होने की वजह से उन्होंने जोगेंद्रनाथ मंडल को गोद लिया था। जोगेंद्रनाथ मंडल बंगाल में अछूत समझे जाने वाले नामोशूद्र जाति से थे। अछूत जाति में जन्मे होने की वजह से उन्हें बचपन से ही अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ा। जोगेंद्रनाथ बचपन से ही विज्ञानवादी सोच रखने वाले व्यक्ति थे। शिक्षा पद्धति, शिक्षा व्यवस्था एवं सामाजिक बाधाओं तथा घरेलू परेशानियों को झेलते हुए किशोर जोगेंद्रनाथ ने सन 1924 में मैट्रिक प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया। बाद में उनके चाचा रामकृष्ण ने बारिसाल नगर के ही ब्रिजमोहन कॉलेज में प्रवेश दिलवा दिया। बेटे की बढ़ती उम्र के कारण उनके चाचा रामकृष्ण काफी चिंतित थे। उन्हें लगा कि अब बेटे की शादी करवा कर उनके कंधों की जिम्मेदारी जोगेंद्रनाथ पर दे। सन 1926 में जोगेंद्रनाथ मंडल का शुभ विवाह बारिसाल के ही एक सुखी संपन्न परिवार के मुखिया प्रहलाद चंद्र बरुआ की सुशील सुपुत्री कमला देवी से हुआ। जोगेंद्रनाथ मंडल जी ने उच्च शिक्षा हासिल की थी। पढ़ाई के बाद सरकारी नौकरी स्वीकारने की बजाय सामान्य जन को न्याय दिलवाने के काम के लिए वकालत का व्यवसाय अपना लिया। उन्होंने कलकत्ता कोर्ट में सन 1935 को प्रवेश लिया, किंतु समाज कार्य की ध्येय पूर्ति के लिए मैं यहाँ पर रहकर कोई भी प्रगति नहीं कर सकता, यह बात उनके मन में आते ही उन्होंने कलकत्ता छोड़कर बारिसाल जिले के कोर्ट में अपना वकीली पेशा आरंभ किया। जोगेंद्रनाथ मंडल जी ने समाज की समस्याओं का समाधान करने के लिए गहन चिंतन मनन किया। दीर्घ चिंतन के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि आर्थिक तथा राजकीय स्तर के बगैर हम समाज के उत्कर्ष के लिए और उसके ध्येय के लिए कुछ नहीं कर सकते। अस्पृश्य तथा पिछड़े वर्ग के समाज के कल्याण के लिए उनके कार्य का उपयोग हो, इसके लिए खुद को राजनीति में ढाल दिया। जब 1936 में स्थानीय निकायों के चुनाव हुए तो बारिसाल की जनता ने उन्हें जिला परिषद का सदस्य चुन लिया। कुछ दिनों के बाद जब स्थानीय निकाय के कार्य समिति के पदाधिकारियों का चुनाव किया जाना था तो जोगेंद्रनाथ मंडल ने एक अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के सदस्य को कार्य समिति का उपाध्यक्ष चुनने की सलाह दी। इस कार्य ने जोगेंद्रनाथ मंडल के सम्मान को और बढ़ा दिया और उन्होंने अल्पसंख्यकों का विश्वास भी प्राप्त कर लिया। अब तो जोगेंद्रनाथ मंडल हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय के लोकप्रिय नेता बन गए थे। सन 1935 के अधिनियम के अंतर्गत पहला चुनाव 1 जनवरी 1937 को होना घोषित हुआ था। जन आकांक्षाओं पर जोगेंद्रनाथ मंडल छाए हुए थे। स्थानीय जनता की इच्छा थी कि हमारा
दुख दर्द जानने वाला, समय पर वास्तविक सहायता प्रदान करने वाला ऐसा व्यक्ति इस निर्वाचन क्षेत्र में उनका प्रतिनिधि बने, जो किन्हीं भी आपदाओं को दूर करने के लिए प्राणपण से उनके हित में कार्यशील रहे। लोगों के अनुरोध से जोगेंद्रनाथ ने चुनाव लड़ा और वे विजय भी हुए। जोगेंद्रनाथ मंडल जी ने हर तबके के लोगों के लिए काम किया, चाहे आर्थिक सहायता हो, चाहे शिक्षा से संबंधित सहायता हो, उन्होंने लोगों को हर प्रकार की सहायता की। पूर्वी बंगाल विधानसभा में उनके जैसे स्पष्ट तथा दलितों के हितों के पक्ष में बोलने वाला अन्य कोई विधायक इतना प्रभावशाली नहीं था। इसका कारण था कि उनका एकमात्र ध्येय दलित वर्गों का ही विकास नहीं बल्कि चातुर्मुखी विकास था। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 30 से 31 मार्च सन 1942 को दिल्ली शहर में अछूतों की विराट सभा ली, जिसमें देश के विभिन्न प्रांतों के दलित प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसी महासभा में जोगेंद्रनाथ मंडल की प्रथम भेंट डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से हुई थी, जो भेंट आजाद भारत का भविष्य बनाने के काम आई थी। इन दोनों महान नेताओं की जल्द ही दूसरी भेंट हुई। वे एक दूजे से ऐसे मिले मानो जन्म जन्मांतर से एक दूसरे की पीड़ाओं, परिस्थितियों, भावनाओं और आकांक्षाओं से परिचित हो। जोगेंद्रनाथ मंडल डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर से अत्यधिक प्रभावित हुए और आजीवन उनके ही द्वारा प्रतिपादित मार्ग पर चलते रहे। जोगेंद्रनाथ मंडल ने अपने कार्यों से अपने क्षेत्र में काफी लोकप्रियता हासिल की थी। बंगाल के दलित पिछड़ों के एकमात्र नेता के रूप में मंडल जी का कोई शानी नहीं था। उस वक्त पूर्व बंगाल की विधानसभा के सोहरावर्दी मुख्यमंत्री थे। जोगेंद्रनाथ मंडल सोहरावर्दी मंत्रिमंडल में कानून लोक निर्माण तथा आवास निर्माण मंत्री थे। उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज में अनुसूचित जाति के छात्रों की भर्ती का प्रश्न, दलित छात्रों के लिए छात्रावास की व्यवस्था आदि प्रश्नों पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल का कार्यकाल विकास के कल्याणकारी योजनाओं को अमल लाने के लिए बिताया। आजादी के पहले भारत में सरकार की स्थापना हुई थी। इस सरकार में जोगेंद्रनाथ मंडल जी ने 4 नवंबर 1947 को बतौर कानून मंत्री का पदभार ग्रहण किया था। जोगेंद्रनाथ मंडल ने अंतिम सरकार में 10 महीनों तक विधि मंत्री के रूप में कार्य किया। अपने इस 10 महीनों के कार्यकाल में उन्होंने बहुत परिश्रम किया और दलित, अछूत तथा अन्य पिछड़े वर्गों के हित सुख के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए थे। जोगेंद्रनाथ मंडल भारत पाकिस्तान विभाजन के खिलाफ थे। पाकिस्तान के साथ बंगाल का भी विभाजन होना था। उन्होंने बंगाल विभाजन के विरोध में लोगों में जनजागृति फैलाने का काम किया, इसलिए उन्होंने विभिन्न प्रांतों के दौरे भी शुरू किए थे। महाराष्ट्र डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की कर्मभूमि होने के बाद भी मुंबई प्रादेशिक विधानसभा से शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का कोई सदस्य चुनाव में चुनकर नहीं आया था। महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को संविधान सभा के चुनाव में बंगाल प्रांत से चुनकर भेजना चाहते थे। इस चुनाव की व्यूह रचना भी उन्होंने बनाई और बाबा साहब जी को बंगाल प्रांत के एक विधानसभा से चुनकर संविधान सभा में भेज दिया। जोगेंद्रनाथ मंडल की सहायता के कारण ही बाबा साहब आम्बेडकर जी संविधान सभा जाकर भारत का विजन डॉक्यूमेंट यानी संविधान बना सके। भारत के विभाजन के बाद जोगेंद्रनाथ मंडल पाकिस्तान चले गए। वहां उन्हें पाकिस्तान संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान सरकार का गठन हुआ था। पाकिस्तान की इस सरकार में जोगेंद्रनाथ मंडल विधि और श्रम मंत्री थे। अपने मंत्री पद का कार्य करते हुए उन्होंने सभी जाति और धर्म के लोगों में भाईचारा और सौहार्दता का निर्माण करने का प्रयास किया। वहां भी वे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करते रहे। सांप्रदायिक दंगों में हिंदुओं की सुरक्षा, कराची दंगों में हिंदुओं की सुरक्षा, पाकिस्तान के दलित छात्रों को शिक्षा की सहायता, पूर्व पाकिस्तान के मंत्रिमंडल में दलित प्रतिनिधि को शामिल करने का प्रयास आदि महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किए।
पाकिस्तान में सांप्रदायिक दंगे होते थे। इस घटनाओं से वे हमेशा परेशान रहते थे। दिनों दिन उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा था। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक लोगों पर हो रहे अन्याय अत्याचार को देखकर वे काफी दुखी थे। उन्होंने वहां के केंद्रीय मंत्री पद से त्याग पत्र दिया और वे पुनः भारत लौट आए। भारत में आकर वे शांत नहीं बैठे, उन्होंने अपना सामाजिक कार्य दोबारा शुरू किया। निर्वासितों के पुनर्वसन के लिए सत्याग्रह नाम शूद्रो जाति के लोगों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने की मांग के साथ ही पश्चिम बंगाल अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण परिषद का गठन आदि महत्वपूर्ण कार्य भी उन्होंने किया। 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के महापरिनिर्वाण के बाद उन्हीं के संकल्पना अनुसार रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया गया। सन 1963 में महाप्राण जोगेंद्र मंडल ने पश्चिम बंगाल में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की शाखा स्थापित की। रिपब्लिकन पार्टी के प्रचार और प्रसार के लिए वे सदैव कार्यशील रहे। रिपब्लिकन पार्टी का प्रचार करते हुए ही महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल जी का 5 अक्टूबर 1968 को संध्या 6:30 बजे परिनिर्वाण हो गया। इस प्रकार दलितों के सच्चे हितैषी नेता के जीवन की गाथा का अंत हुआ। किंतु वे उन अमर महापुरुषों में से एक है जिन्हें भारत का हर दलित सदा सदा बड़ी श्रद्धा और स्नेह से स्मरण करेगा। इस महान महापुरुष के कार्य और विचारों को यूसीएन बुद्धा की ओर से शतशः नमन। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्ध के पथ पे खुद को खोकर मिलता है मोक्ष का ज्ञान। प्रेम पथ पर सेवा कर ले तो बन जाता है इंसान। संघं यूसीएन बुद्धा गच्छामि।